जयपुर का जंतर मंतर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट और महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया 1734 में पूरा हुआ था जयपुर का जंतर मंतर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जंतर मंतर के बारे में, जो कि जयपुर की एक सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टूरिस्टिक स्पॉट है। क्या है ये जंतर मंतर और क्यों जंतर मंतर इतना प्रसिद्ध है? जंतर जिसका मतलब होता है यंत्र और मंतर जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। तो ऐसा यंत्र जिससे कैलकुलेट किया जाता है, तो क्या कैलकुलेट करता है जंतर मंतर? कौन कौन से डिवाइस है जंतर मंतर के अंदर? कौन कौन से यंत्र है जंतर मंतर के अंदर जो कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की सारी सीमाओं को लांघ देते हैं? क्यों माना जाता है कि जंतर मंतर आज से आने वाले लाखों सालों तक धरती, सितारों और प्लैनेट्स का एकदम सही समय बताएगा? कैसे बनाई जाती है जंतर मंतर में आपकी जन्म कुंडली और कैसे निकाला जाता है आपका विवाह योग? तो ये सब जानने के लिए हमारी ये वीडियो अंत तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। नंबर एक, नेचुरल क्लॉक। जंतर मंतर में एक नेचुरल क्लॉक है जिसके बारे में ये माना जाता है कि सदियों तक वो बिल्कुल सही समय बताएगी। जिस नेचुरल क्लॉक में एक घंटे के चार हिस्से जो कि है 15 मिनट के, फिर 15 मिनट के तीन हिस्से जो कि है 5 मिनट के, 5 मिनट के पांच हिस्से जो कि है 1 मिनट के, और 1 मिनट के तीन हिस्से जो कि है 20 सेकंड के, तो जंतर मंतर की नेचुरल क्लॉक आपको 20 सेकंड तक का एग्जैक्ट टाइम बता सकती है। और इस यंत्र का नाम है लघु स्मारक यंत्र। नंबर दो, जंतर मंतर। जंतर का मतलब होता है यंत्र और मंतर का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो जंतर मंतर का पूरा मतलब है वो यंत्र जो आपको कैलकुलेशन करने में मदद करे। और जयपुर का ये जंतर मंतर जो कि आज भी एक्टिव है, आप पूरे साल का कैलेंडर और किसी भी इंसान की जन्म पत्री या कुंडली जंतर मंतर में आके बनवा सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समय और एग्जैक्ट तारों की प्लेसमेंट बताएगा। चार, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। जंतर मंतर में एक डिवाइस है जिसका नाम है दिगामसा, और वो ये बताता है कि साल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन कौन सा है। गर्मियों में जब सूरज उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ साइड रहता है, तब साल का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का, जिसमें दिन होता है तकरीबन 14 घंटे लंबा। और विंटर्स में यानी कि सर्दियों में जब सूरज दक्षिण दिशा में रहता है, तब साल का सबसे छोटा दिन आता है जो कि आता है 22 दिसंबर को, और जो कि होता है सिर्फ 10 घंटे बड़ा। और 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो ऐसे दिन हैं जिसमें दिन और रात बिल्कुल एक समान होते हैं। नंबर जयपुर के जंतर मंतर में एक यंत्र है जिसका नाम है यंत्रराज, जिसके बीचों बीच एक ऐसा छेद है जहां रात को टेलीस्कोप लगा के आसमान में देखे गए 27 तारों का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एंगल नापा जाता है। यंत्रराज ही वो डिवाइस है जो कि बताता है हमारे इक्वेटर की पोजीशन और उसके अगेंस्ट जयपुर की पोजीशन। 6, द परफेक्ट साइंस। इसका विषय है ज्योतिष का विषय एस्ट्रोनॉमी। तो ये कितने सालों का वैलिड है सर ये घड़ी? कितने सालों का मतलब सही टाइम बताएगी हमेशा? लेकिन कहते हैं कि कम से कम 25 साल तक सुरक्षित रहे। लेकिन कहते हैं ना कि धरती का जो इक्वेटर है वो बदलता रहता है धीरे धीरे धीरे। हाँ जी, तो कोई तो टाइम आएगा कि घड़ी मतलब फिर गलत टाइम बताने लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जंतर मंतर एक विषय है साइंस के सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का, और ये माना जाता है कि सदियों तक जंतर मंतर की ये घड़ियां पृथ्वी और सितारों का बिल्कुल सही समय और सही पोजीशन बताएंगी। नंबर 7, 12 राशियां। सूरज मीन राशि में चल रहा है। मीन राशि 21 फरवरी से 20 मार्च तक मीन राशि, इक्वेटर साउथ नॉर्थ, तुला राशि धनु मकर कुंभ और मेष राशि दक्षिण के। अच्छा, मेष कन्या, ये छह राशि उत्तर। जंतर मंतर का एक डिवाइस बताता है सूर्य की पोजीशन, कि सूर्य अभी कौन सी राशि में चल रहा है, जिसमें 6 राशि होती है साउथ यानी दक्षिण की और 6 राशि होती है नॉर्थ यानी उत्तर की, जिसमें दक्षिण में आती है तुला, वृश्चिक, धतु, मकर, कुंभ और मीन, और जिसमें उत्तर में आती है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। और ये बताने वाले यंत्र का नाम है जय प्रकाश यंत्र। नंबर 8, महाराजा जयसिंह। आप लोग जयपुर घूम रहे हैं ना बना? जी। जय राजा का नाम जी का मतलब शहर, जंतर मंतर सिटी पैलेस जयपुर सिटी, बिल्ट बाय महाराजा जयसिंह 300 इयर्स ऑफ
मेन जयपुर सिटी बनवाई गई थी महाराजा जयसिंह द्वारा, जिनके नाम पर जयपुर का नाम रखा गया है। जय मतलब राजा जयसिंह का नाम और पुर मतलब शहर, और उन्होंने ही जयपुर का यह जंतर मंतर बनवाया था। जंतर मंतर के साथ उन्होंने बनवाई थी यहाँ का सिटी पैलेस और यहाँ की पिंक सिटी। नंबर 9 हॉरोस्कोप। ये 12 राशियाँ, शहर का नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, ये तीनों चीजें आप लिख के दें, आपका हॉरोस्कोप भी बन। जयपुर के जंतर मंतर में 12 राशियों के 12 इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, जिसमें जिस महीने की जो राशि है उस महीने के समय सूरज उसी राशि के यंत्र के ऊपर आता है। और अगर आप अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म का समय और अपनी बर्थ प्लेस लिख के यहाँ पे दे दें, तो वो आपका पूरा हॉरोस्कोप बनाकर आपको दे सकते हैं। और ये सब बताने वाले यंत्र का नाम है क्रांति वृत्त। नंबर 10 वृहद स्मारक यंत्र। ये छतरी देखे के ऊपर अपना मार्च का महीना आता है ना हर साल, मार्च का जी, यहाँ से बारिश का घोषणा अनाउंसमेंट अपन लोग रेडियो में सुनते हैं और अखबार में भी पढ़ते हैं बारिश के बाद। जंतर मंतर में एक घोषणा छतरी भी है, जो मार्च के महीने में जब जयपुर में बारिश आने वाली होती है तो उस छतरी पे चढ़ के अनाउंसमेंट की जाती है बारिश के आने की। राम यंत्र। ये राम यंत्र जंतर मंतर में एक राम यंत्र है, जो कि हमें बताता है सूरज हमारे सूर्य की ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट और हमारे सूर्य का एंगल। राम यंत्र को काफी सारे बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक बॉक्स का मतलब है 1 डिग्री एंगल, और हर 4 मिनट में सूरज एक बॉक्स को पार करता है यानी कि 1 डिग्री हिलता है, जिससे सूरज की हाइट और एंगल का पता चलता है। नंबर 12 दिशा यंत्र। जंतर मंतर का दिशा यंत्र हमें बताता है हमारी चारों दिशाएं किस तरफ हैं, जो कि है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और दिशा यंत्र के बीचों बीच एक खंभा लगाया जाता है, जिससे सूरज की डिग्री और डायरेक्शन का पता चलता है। यहाँ तक कि चंद्रमा, नक्षत्र और सारे प्लैनेट्स का क्या स्थिति है और क्या योग बन रहा है, वो भी इस डिवाइस से पता चलता है। तो ये थे हमारे जंतर मंतर के कुछ ऐसे रोमांचक तथ्य, जो कि जंतर मंतर को इतना प्रसिद्ध बनाते हैं। हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारा सब्सक्राइब बटन के साथ हमारा घंटे का निशान और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें। और इस वीडियो के लिए हमारी कमेंट्स का सवाल ये है कि इन तथ्यों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा रहस्य है जो जंतर मंतर के बारे में हमारी इस लिस्ट में जरूर होना चाहिए, तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते। और भीचे जो भीचे जो
पहले तो आया होगा। Bye.